तो प्रदेश के मुखिया का भी एक स्टैंड आ गया, क्लियर हो गया कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए और ऐतिहासिक गलती को सुधार के मुस्लिम पक्ष भी पहल कर सकता है, भूल सुधार कर सकता है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये कोई योगी जी का स्टैंड नहीं है, ये योगी जी ने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, ये सत्य को कहा है। जो सत्य है, जिसको आज़ादी के बाद तुष्टिकरण के नाम पे या भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के नाम पे उसको समाप्त करने की सोच रखने वाले लोगों द्वारा इस देश में एक माहौल खड़ा किया गया कि मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी और मस्जिद दोनों का तारतम्यता, दोनों 36 के आंकड़े लेके चल रहे हैं। ज्ञानवापी अगर है तो मस्जिद नहीं, मस्जिद है तो ज्ञानवापी शब्द नहीं हो सकता है। इस सत्य को स्वीकार किया है किसी मुख्यमंत्री ने, जो कहा जाए कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ऐसा व्यक्तित्व, ये भारत में पहली बार उसने स्वीकार किया कि भाई सत्य को उजागर किया कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है। सारी दीवारें उस परिसर की, एक एक भग्नावशेष जो बचे हैं, खंभे बचे हैं, जो विग्रह जो उस परिसर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले अधिवक्ता कमिश्नर सर्वे का भी हिस्सा हम लोग अभिन्न अंग रहे हैं। आप लोग मौजूद थे, आप लोग ने क्या देखा, क्या था दीवारों पे? देखा कि तमाम सारे दीवारों पे जो बड़े बड़े पत्थर के ईंटे लगे हुए हैं, सारे पत्थर के ईंटों पर त्रिशूल बना है। सारे खंभों पर जो है हमारे देवी देवता ब्रह्म कमल, हमारे त्रिशूल, हमारे जो है स्वास्तिक, हमारे जो है तमाम भारतीय कलाकृतियां, हमारे तमाम जो है कई पत्थरों पर हमारे श्लोक संस्कृत के लिखे भरे पड़े हैं। यानी कि पूरा परिसर चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मैं मंदिर हूँ, अब आप कहते हैं कि मस्जिद है तो क्या? और इससे भी इतर आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात, मौलवी जिस हमारे सेंट्रल डोम जो हमारा गर्भगृह का ऊपरी हिस्सा है, यानी केंद्रीय जो मंडप था, उस मंडप के नीचे जो ये कब्जा करके जो मस्जिद नमाज पढ़वाते हैं, और नमाज पढ़वाने वाला मौलवी जहाँ खड़ा होकर सभी नमाजियों को नमाज अदा कराता है, उसके पीछे के सारे दीवारों पर, सारे पत्थरों पर त्रिशूल का निशान बना हुआ है। ये किसने बनवाया है? हमने तो नहीं बनवाया। यानी कि वो मंदिर था, मंदिर को तोड़कर आपने मस्जिद कब्जा करके मस्जिद का स्वरूप आपने दिया है। सब कुछ चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा है परिसर कि मैं मंदिर हूँ, मंदिर के सारे स्वरूप वहाँ भरे पड़े हैं। इसलिए ज्ञानवापी मंदिर है ये शब्द कहना, ये स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता, ये एक विवाद हो जाएगा। और अब तक जो ऐतिहासिक गलती हुई है, मुस्लिम पक्ष उसका आह्वान करते हुए सामने से आके कह सकता है कि हाँ गलती हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? निसंदेह मैं इस विषय पर कानून के दायरे में ही बात कहूँगा। 1995 में इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पूरी तरह से मस्जिद मजार कब्रिस्तान को डिफाइन किया गया है, और उस आलोक में ज्ञानवापी किसी प्रकार से मस्जिद नहीं है। दूसरी बात, 1936 में मुकदमा दीन मोहम्मद ने किया, उसमें भी 12 गवाह गुजरे और सभी ने स्वीकार किया कि वहाँ निरंतर पूजा होती है। और उसी के तहखाने में जो ज्ञानवापी है, उसी के तहखाने में ब्यास परिवार निरंतर पूजा करता रहा है। और फिर 1983 में जो काशी विश्वनाथ अधिनियम है, उसके अनुसार पंचकोश का जो परिक्षेत्र है, वह पूरा परिक्षेत्र आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में समाहित है। इस प्रकार वह पूरी संपदा काशी विश्वनाथ जी की। और फिर मैं आता हूँ, 1993 नवंबर तक पूजा वहाँ पे होती रही है, और ये पूजा श्रृंगार गौरी की जो पार्श्व भाग में मस्जिद की अवस्थित है होती रही। इस नाते भी वहाँ किसी प्रकार से मस्जिद नहीं किया कहा जा सकता है। और संपूर्ण ज्ञानवापी का जो शिल्प है, उसका पार्श्व भाग है, वो नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष है। उसमें ओम स्वास्तिक पद्म यानी कमल का चित्रण है, साथ में पूरी जो वास्तुशिल्प है वह नागर शैली के मंदिर का है। ऐसी कोई मस्जिद हो सकती